हेलो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब फॉर माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। सेमेस्टर एग्जाम शुरू होने वाले हैं और फाइनली मैं क्लास 10 सीबीएसई हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के आखिरी पार्ट को लेकर आ चुका हूँ। इससे पहले के जो सारे पार्ट हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उन पार्ट्स को जरूर देखिएगा। और आज का जो पार्ट है वो हमारा इस चैप्टर का आखिरी पार्ट होगा, जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प भी करने वाला है। तो आज के इस पार्ट में हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटाली, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटाली के बारे में पढ़ेंगे। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन पढ़ेंगे, ब्रिटेन का जो स्ट्रेंज केस था वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम विजुअलाइजिंग द नेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड फाइनली नेशनलिज्म से कैसे इंपीरियलिज्म का वजूद हुआ, इंपीरियलिज्म एग्जिस्ट हुई या कैसे नेशनलिज्म लेड्स टू इंपीरियलिज्म, वो हम पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देर किए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, टॉपिक है हमारा द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटाली। सबसे पहला हमारा टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। पॉइंट नंबर 1, नेशनल सेंटिमेंट्स वर प्रमोटेड बाय कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स ने जो है वो नेशनल सेंटिमेंट्स को प्रमोट किया। क्यों किया? ऑफन फॉर कैप्चरिंग स्टेट पावर एंड पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप, ताकि उनको स्टेट पावर और पॉलिटिकल डोमिनेशन मिले यूरोप में, और ये सब चीज़ें उन्होंने आफ्टर 1848 की। सेकेंड पॉइंट, इन जर्मनी नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडल क्लास। लेकिन जर्मनी में जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी वो मिडिल क्लास के लोगों में ज्यादा स्प्रेड थी या ज्यादा पॉपुलर थी। पॉइंट नंबर 3, इन 1848 द मिडिल क्लास ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट गवर्न बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। इसलिए 1848 में मिडिल क्लास के लोगों ने कोशिश किया कि ये जो छोटे छोटे जर्मन स्टेट्स है, जर्मन कॉन्फेडरेशन है, उन सबको यूनाइट किया जाए, उन सारे डिफरेंट रीजन्स को यूनाइट किया जाए और एक नेशन बनाया जाए, एक नेशन स्टेट बनाया जाए जिसको गवर्न करने का काम इलेक्टेड पार्लियामेंट करे, यानी पार्लियामेंट करेगी जिसको लोग इलेक्ट करेंगे, चुनेंगे। पॉइंट नंबर 4, प्रुशियास चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर दिस नेशनल यूनिफिकेशन। अब ये जो मिडिल क्लास के लोग चाहते थे कि डिफरेंट रीजन्स जो जर्मन कॉन्फेडरेशन के हैं उनको एक करके नेशन स्टेट बनाया जाए, इसकी जिम्मेदारी जो है इन्हीं रीजन में से एक रीजन था, इन्हीं स्टेट्स में से एक स्टेट था प्रुशिया, वहां के चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क ने ये जिम्मेदारी उठाई कि हम जो है वो नेशनल यूनिफिकेशन करेंगे या जर्मनी को यूनिफाई या जर्मन स्टेट्स को यूनिफाई करके जर्मनी नाम का एक देश बनाएंगे। पॉइंट नंबर 5, ये देखिए उसकी तस्वीर है ऑटो वन बिस्मार्क की। पॉइंट नंबर 5 है, ही एम टू अचीव द गोल ऑफ यूनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ प्रुशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। अपने यूनिफिकेशन के गोल को हासिल करने के लिए बिस्मार्क ने प्रुशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प ली। पॉइंट नंबर 6, 3 वॉर्स विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस रनिंग ओवर 7 ईयर्स एंडेड विद प्रुशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। 3 लड़ाइयां हुई ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के बीच में जो लगभग 7 साल तक चली, लेकिन इस लड़ाई का रिजल्ट यह निकला कि प्रुशिया जीत गया और यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंपली ये समझ लीजिए कि इन तीनों को डिफीट करने के बाद यूनिफिकेशन का प्रोसेस क्यों कंप्लीट हुआ, क्योंकि ये जो जर्मन स्टेट्स थे, ये जो जर्मन रीजन्स थे, उनमें से कुछ रीजन पे ऑस्ट्रिया का कब्जा था, कुछ पे डेनमार्क का कब्जा था और कुछ पे फ्रांस का कब्जा था। सो विदाउट डिफीटिंग दीज नेशंस इट वॉज नॉट पॉसिबल टू यूनिफाई ऑल द जर्मन स्टेट्स, इसलिए इनको हराया और सारे जर्मन स्टेट्स को यूनिफाई किया। इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का प्रोसेस पूरा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन 18 जनवरी 1871 एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी, इंपॉर्टेंट प्रुशियन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क डिक्लेयर्ड द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय कैजर विलियम वन ऑफ प्रुशिया। 18 जनवरी 1871 को एक असेंबली बुलाई गई जिसके अंदर जर्मन स्टेट के प्रिंस लोग आए हुए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स जो आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो आए हुए थे, इंपॉर्टेंट प्रुशिया के मिनिस्टर्स जिसमें कि वहां के चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क भी थे, और इस असेंबली के अंदर प्रुशिया के राजा कैजर विलियम वन को नए जर्मन एम्पायर का भी राजा बना दिया गया या हेड बना दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी
बैंकिंग लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स इन जर्मनी। ये जो नई स्टेट बनी यानी ये जो जर्मनी नया जो यूनिफाई होने के बाद जो जर्मन स्टेट बना वहां पर किस चीज पे जोर दिया गया, करेंसी को मॉडर्नाइज किया गया, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर जोर दिया गया, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया। तो जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है वो इतने ही पॉइंट्स है, आप इतने पॉइंट्स लिख देंगे तो आपका जो है वो पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर 3 मार्क के लिए आता है तो आप ये सारे पॉइंट्स को 3 मार्क में मर्ज करके लिख सकते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को 3 पॉइंट अगर बना के लिखेंगे तो भी चलेगा। 5 मार्क्स में आया तो कोई भी 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मिस नहीं होने चाहिए। जैसे ये पॉइंट हो गया विद डिफीट ऑफ ऑस्ट्रिया डेनमार्क एंड फ्रांस हो गया, ऑटोमन बिस्मार्क का पॉइंट हो गया, ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे यूनिफिकेशन ऑफ इटाली की तरफ। ये देखिए ये इटाली इन 1815 में है, इस मैप में ये बताया गया है किस तरह से इटली जो है वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग कलर इंडिकेट कर रहे हैं कि अलग अलग स्टेट में वो बटा हुआ था, इट वॉज नॉट यूनिफाई। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटाली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट, 7 स्टेट में बटा हुआ था, आउट ऑफ विच ओनली 1 स्टेट दैट इज सार्डिनिया पिडमोंट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसेस। यानी कि ये इटाली 7 स्टेट्स में बटा हुआ था जिनमें से सिर्फ सार्डिनिया, ये देखिए यहाँ पर, और ये पिडमोंट, ये जो ये कलर में आप देख रहे हैं बस यही स्टेट है जो इटालियन प्रिंसेस के पास थे। तो बाकी किसके पास थे, द नॉर्थ वॉज रूल्ड बाय ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, नॉर्थ पे जो है वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का कब्जा था, हैब्सबर्ग एम्पायर है ऑस्ट्रिया का। सेंटर के ऊपर जो है वो पोप का राज था इसलिए इसको पेपल स्टेट कहा जाता है, यहाँ लिखा हुआ है रेड में पेपल स्टेट। और उसके बाद जो सदर्न रीजन थे वर रूल्ड बाय द बर्बन किंग ऑफ स्पेन, और ये वाला जो एरिया था वो स्पेन के बर्बन डायनेस्टी के अंडर में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनको कैसे आजाद कराया, तो उसके अंदर कुछ रिवोल्यूशनरीज थे जिनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल थे तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आजाद कराया मतलब कैसे यूनिफाई किया, तो सबसे पहले जो रिवोल्यूशनरी है उनका नाम है जुजीपी मेजिनी, ये उनकी तस्वीर है। मेजिनी वॉज अ रिवोल्यूशनरी हु एक्टिवली सपोर्टेड यूनिफिकेशन ऑफ इटाली, ये एक रिवोल्यूशनरी थे जिन्होंने इटालियन यूनिफिकेशन को हमेशा सपोर्ट किया। यंग इटालिया सीक्रेट सोसाइटी फाउंड बाय हिम वाज टू प्रमोट इटालियन यूनिफिकेशन, उन्होंने इटालियन यूनिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए यंग इटाली नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी। मेटरनिक डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, ड्यूक मेटरनिक ने मेजिनी के बारे में यह कहा था कि वो हमारे सोशल ऑर्डर का बहुत ही खतरनाक दुश्मन है। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आता है, हु डिस्क्राइब मेजिनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, तो आंसर है उसका मेटरनिक या ड्यूक मेटरनिक भी लिख सकते हैं। दूसरे रिवोल्यूशनरी है हमारे काउंट कैमिलियो कावर, एक्चुअली ये रिवोल्यूशनरी नहीं थे लेकिन इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ये उनकी तस्वीर है। ही वॉज नीदर अ रिवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेटिक, ना तो वो कोई रिवोल्यूशनरी थे ना ही वो कोई डेमोक्रेटिक थे। ही लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई इटालियन रीजन, लेकिन इन्होंने इटालियन रीजन को यूनिफाई करने की मूवमेंट को लीड किया था। In 1859, he entered into an alliance with France and succeeded in defeating Austrian forces. ये जो है 1859 में फ्रांस के साथ दोस्ती करते हैं, फ्रांस के साथ अलायंस करते हैं और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को क्या कर देते हैं, डिफीट, जिससे वो जो नॉर्थ था जो ऑस्ट्रिया के कब्जे में था हैब्सबर्ग एम्पायर के, वो इटालियन यूनिफिकेशन में आ जाता है। उसके बाद अगले हैं जुजीपी गैरिबाल्डी, ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज इन इटालियन यूनिफिकेशन। मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट सेक्शन है उसमें टुडे इन हिस्ट्री का एक सेक्शन है, उसमें भी मैंने जुजीपी गैरिबाल्डी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड की हुई है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका जो है वो लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। देखिए ये जुजीपी गैरिबाल्डी है, ही वॉज अ फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। In 1854, he supported Victor Emmanuel II for his effort to unify the Italian state. 1854 में उन्होंने Victor Emmanuel II की मदद की थी Italian state को unify करने में। In 1860 में उन्होंने क्या किया? He led the famous expedition of thousands with his red shirt army to conquer Kingdom of Two Sicilies. Kingdom of Two Sicilies को conquer करने के लिए 1860 में उन्होंने अपनी एक expedition की थी जिसका नाम था एक्सपेडिशन ऑफ थाउजेंड्स, जिसमें उनका साथ दिया था उनकी रेड शर्ट आर्मी ने। असल में इनके फॉलोअर्स को रेड शर्ट आर्मी कहा जाता था क्योंकि इन्हें खुद को रेड शर्ट पहनने का बहुत शौक था। विक्टर इमैनुअल टू वाज डिक्लेयर्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटाली 1861। उस वक्त तक जितना भी इटालियन स्टेट, अभी देखिए हमने पढ़ा नॉर्थ फ्री हो गया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज भी फ्री हो गया, लेकिन अभी भी पेपल स्टेट बाकी है, तो इसलिए यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि 1861 में
जितना यूनिफाई इटाली हुआ था उसका राजा विक्टर इमैनुअल टू को डिक्लेयर कर दिया गया। आफ्टर ही लेड द आर्मी टू रोम टू फाइट पेपल स्टेट्स इन 1867 एंड इन 1870 पेपल स्टेट्स वर फाइनली जॉइंड टू इटाली एंड द फाइनल यूनिफिकेशन वाज अचीव इन 1871। यानी कि उसके बाद, यानी जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को कॉन्कर करने के बाद फिर वो रोम गए, वहां पे उन्होंने पेपल स्टेट से फाइट किया और 1870 में पेपल स्टेट्स ने भी इटाली को ज्वाइन कर लिया। इस तरह इटाली का जो फाइनल यूनिफिकेशन था वो 1871 में कंप्लीट हो गया। तो ये आपका जो तीन रिवोल्यूशनरीज है या तीन इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज है, ये इटालियन यूनिफिकेशन के आंसर में आएगी। सबसे पहले आपको ये बताना किस तरह से इटाली बटा हुआ था और फिर मेजिनी, काउर और गैरिबाल्डी ने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो लिख देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ जाते हैं, जो है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन बिफोर द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। एथनिक आइडेंटिटीज, एथनिक मतलब कल्चरल आइडेंटिटीज, जैसे कि इंग्लिश, स्कॉटिश और आयरिश, स्कॉटलैंड के रहने वाले स्कॉटिश, इंग्लैंड के रहने वाले इंग्लिश और आयरलैंड के रहने वाले आयरिश, वर द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश इसलेस। ब्रिटिश में, ब्रिटिश एरियाज में या ब्रिटिश प्लेसेस में जो लोग रहते थे वो अपने इन्हीं नामों से जाने जाते थे, यही उनकी प्राइमरी आइडेंटिटीज होती थी। इन 1688 द इंग्लिश पार्लियामेंट हैड सीज द पावर फ्रॉम द मोनार्क। 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने राजा से पावर सारे अपने कब्जे में कर लिए। इन 1707, फिर 1707 में एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन। इट वॉज पास्ड इन ब्रिटेन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, और ये एक्ट इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में पास हुआ टू फॉर्म द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और यहाँ से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है वो फॉर्म हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्ट ऑफ यूनियन, ये भी ऑब्जेक्टिव्स में या वेरी शॉर्ट आंसर में आ सकता है। नेक्स्ट है द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लैंड वॉज इम्पोज ऑन स्कॉटलैंड। अब इंग्लैंड का जो इन्फ्लुएंस था, यानी वहाँ की जबान, वहाँ की भाषा, वहाँ का कल्चर, वो स्कॉटलैंड के ऊपर थोपा गया and the British Parliament was dominated by the English. और British Parliament में जो है वो Scotland के नहीं बल्कि English लोग जो है वो dominant हो गए। Ireland was a country divided into Catholics and Protestants. Scotland के बाद Ireland की बारी आई। Ireland एक ऐसा देश था जो Catholics और Protestants में बटा हुआ था। Catholics and Protestants are the two sects of the Christian group or Christianity. The Protestants of Ireland were helped by the English people. They suppressed the Catholic revolt against the British. प्रोटेस्टेंट जो थे आयरलैंड के, उनको इंग्लिश लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि प्रोटेस्टेंट और कैथलिक के बीच में अक्सर झगड़े होते थे, तो इंग्लिश लोगों ने प्रोटेस्टेंट का सपोर्ट किया और कैथलिक रिवोल्ट जो ब्रिटिश के अगेंस्ट हो रही थी उसको सप्रेस कर दिया। इन 1801 आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इंक्लूडेड इन द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, और फिर 1801 में आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में फोर्सिबली, यानी फोर्स जबरदस्ती करके जो है वो इंक्लूड कर लिया गया। The British flag, Union Jack, the national anthem, God save our noble king, and the English language were actively promoted as the symbol of the New Britain. और इन सब जगहों पे ब्रिटिश का जो झंडा Union Jack, उनका national anthem, God save our noble king, और उनकी भाषा, उनकी जबान, English language जो थी वो actively promote की जाने लगी। चलिए उसके बाद हमारा जो next topic है वो है visualizing the nation। मतलब उस जमाने में देश को कैसे विजुअलाइज किया जा रहा था, कैसे देखा जा रहा था। तो इन 18th एंड 19th सेंचुरी आर्टिस्ट पोर्ट्रेट द नेशन एज फीमेल फिगर्स। मतलब देश को फीमेल माना जाता था या फीमेल के नाम से जाना जाता था। द फीमेल फॉर्म दैट वॉज चोजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। अच्छा, जैसे हम लोग कहते हैं ना भारत माँ, तो हम भी फीमेल फिगर से ही या फीमेल से ही अपने देश को बुलाते, तो उसी तरह जो है वो लोग भी फीमेल नाम से बुलाया करते थे, लेकिन हकीकत में ऐसी कोई औरत एग्जिस्ट नहीं करती थी जिसके नाम पे देश को पर्सोनिफाई किया जा रहा था। पर्सोनिफाई का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जब कोई नॉन लिविंग को किसी लिविंग की, इंग्लिश में होता है पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच, तो नॉन लिविंग को लिविंग की अगर कोई क्वालिटी दी जाती है तो उसको पर्सोनिफिकेशन या पर्सोनिफाइंग कहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वो देश को फीमेल या कोई वुमेन बता रहे थे इसलिए पर्सोनिफाई वर्ड यूज किया हुआ है, लेकिन असल में कोई ऐसी औरत एग्जिस्ट नहीं। जैसे मैं कहता हूँ भारत माँ, तो भारत माँ मतलब मैं अपने देश को कह रहा हूँ, कोई एक्चुअल में भारत माँ नाम की औरत एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, देश को मैं भारत माँ कह रहा हूँ। तो वैसे ही कोई पर्टिकुलर वुमेन रियल लाइफ में नहीं थी, लेकिन उनको एज अ फीमेल फिगर वो पर्सोनिफाई करते थे। इन फ्रांस द फीमेल एलेग्रे वॉज मैरियन
wearing red cap, the tricolor and the cockade which were drawn from liberty and republic. Marian images were marked on coins and stamp. फ्रांस के अंदर वो जो फीमेल एलिग्री थी वो मैरियन थी, जो कि लाल टोपी ट्राई कलर और कॉकेट पहना करती थी, जो लिबर्टी और रिपब्लिक का सिंबल था, और मैरियन की इमेज जो थी वो कॉइन्स और स्टैम्प्स पे देखने को मिलती थी। जर्मन नेशंस वॉज रिप्रेजेंटेड बाय एन एलिग्री ऑफ जर्मेनिया, उसी तरह जर्मनी के लिए जो था वो जर्मेनिया थी। इट वोर अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ये ओक लीव्स का ताज पहनती थी, एज इट रिप्रेजेंटेड हीरोइज्म, क्योंकि ओक लीव्स जो है वो हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए, ये आप तस्वीर अगर देख रहे हैं तो अभी हमने पढ़ा कि वो स्टैम्प के ऊपर मैरियन की तस्वीर थी, तो ये स्टैम्प है, इस पे ये मैरियन की तस्वीर है और ये जर्मेनिया की तस्वीर है, इसके सर पे ओक लीव्स भी आप देख सकते हैं, विच वॉज द सिंबल ऑफ हीरोइज्म। चलिए नेक्स्ट हमारा है टॉपिक नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म इन यूरोप आफ्टर 1871। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन वॉज द बाल्कन। 1871 के बाद जो नेशनलिस्ट टेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स था वो बाल्कान नेशन बना। बाल्कान क्या था? बाल्कान जो है वो कुछ जगह थी जिसमें, देखो यहाँ लिखा हुआ है, बाल्कान कंसिस्टेड ऑफ द एथनिक एंड ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें मॉडर्न डे के रोमेनिया, बुल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो, ये देश आते हैं। इन सब देशों को मिलाकर जो रीजन बनता था उसको बाल्कान रीजन कहते थे, जो उस जमाने में नेशनलिस्ट टेंशन का एक सोर्स बन गया था। क्यों ऐसा हुआ था? द इनहेबिटेंट्स ऑफ द बाल्कन्स वर नोन एज स्लाव्स। अब बाल्कान के रहने वालों को स्लाव्स कहते थे, जो उनकी एक रेस भी है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। उस जमाने में ये जितने भी देश हैं ज्यादातर देश ऑटोमन एम्पायर यानी टर्की के कब्जे में थे। द राइवलरी अमंग यूरोपियन पावर ऑन ट्रेड एंड कॉलोनीज लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर एंड अल्टीमेटली टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेकिन इस बाल्कान को हासिल करने के लिए या फिर दूसरे दूसरे देशों पर कब्जा करने के लिए यूरोपियन पावर्स जो है वो आपस में उलझते रहे, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। राइवलरी अमंग यूरोपियन पावर ऑन ट्रेड एंड कॉलोनीज, ट्रेड में भी राइवलरी थी, कॉलोनीज के कब्जा करने में भी जो थी राइवलरीज थी, जिसकी वजह से काफी सारे झगड़े हुए और अल्टीमेटली जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई। नेशनलिज्म अलाइन विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। और जो नेशनलिज्म ने इंपीरियलिज्म को बढ़ावा दिया, बेसिकली इंपीरियलिज्म का मतलब होता है जब एक पावरफुल देश अपने से कमजोर देश के ऊपर कब्जा करता है, तो उस प्रोसेस को इंपीरियलिज्म कहते हैं। तो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म के चक्कर में लोग अपने देश को इतना तरक्की दिलाने या इतना पावरफुल बताने के चक्कर में लग गए कि दूसरे दूसरे देशों पर कब्जा करने लगे। जब दूसरे देश खत्म हो गए तो जहां जहां यूरोपियन नेशंस का कब्जा था वो एक दूसरे के नेशंस पे कब्जा करने लग गए, और फिर जो है अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर 1914 में हो गई, जो यहाँ पे डिजास्टर लिखा हुआ है। और ये आपके लिए चैप्टर कंप्लीट हो गया, अपनी प्रोग्रेस चेक कीजिए, कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं। सबसे पहला है हु फाउंडेड अ सीक्रेट सोसाइटी यंग इटाली, ये 1 मार्क्स के लिए। दूसरा है डिस्क्राइब द रोल ऑफ बिस्मार्क इन द मेकिंग ऑफ जर्मनी, ये 3 मार्क्स के लिए। और तीसरा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटाली, ये भी 3 मार्क्स के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो कुछ भी समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प भी करेगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स में, अपने 10th CBSE के बच्चों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। एंड फाइनली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।